नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और जैसा कि नेहरू युवा केंद्र संगठन ने वैकेंसी निकाली थी, तो दोस्तों तीन चरणों में वैकेंसी इस वर्ष 2019 में निकल चुकी हैं। एक जनवरी दिसंबर जनवरी में 29 जनवरी को परीक्षा हुई थी, उसके बाद एक अप्रैल में परीक्षा हो चुकी है, और एक अब जो है 31 मई को नोटिस आया है, जिसके ऑनलाइन आवेदन चल रहे थे। इसकी लास्ट डेट 8 अगस्त थी, लेकिन इसकी डेट जो है अब एक्सटेंड कर दी है, 17/8/2019 तक आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों जिन लोगों ने आवेदन नहीं किया है, किसी कारणवश अगर आवेदन करने से छूट गए हों, तो वो आवेदन 17/8/2019 तक कर सकते हैं। कुछ साइट पे टेक्निकल प्रॉब्लम भी आ गई थी, जो अब ठीक हो गई है और अब आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों नेहरू युवा केंद्र के बारे में मैं आपको बता दूँ, NYKS 673 जिलों में नेहरू युवा केंद्र कार्यरत है। 160 वैकेंसी 100 और 101 ये वैकेंसी निकल चुकी हैं। यहाँ पर DYC जो थे पहले से ही लगभग 300 के आसपास पहले से ही कार्यरत थे, तो मैं मानता हूँ कि अब वैकेंसी आगे आएंगी नहीं, बहुत मुश्किल है वैकेंसी आना। और DYC की तो वैकेंसी आना बहुत ही मुश्किल है, पहले दूसरे डिपार्टमेंट से जो है लेके काम चलाया जा रहा था, अब क्या है कि 673 पोस्ट पूरी अगर हो जाएंगी तो फिर नेक्स्ट वैकेंसी पता नहीं कब निकले। तो दोस्तों पूरे जान से आप जुड़ जाइए, पूरे मनोयोग से आप जो है तैयारी में जुड़ जाइए, क्योंकि सिलेबस का आप लोगों को अच्छे से पता है, जिन लोगों ने पहले एग्ज़ाम दिया है। और जिनको नहीं पता है वो मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप उसको देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। करंट अफेयर पे ज़्यादा जोर दीजिए, क्योंकि जो सेकंड पोर्शन यूथ डेवलपमेंट वाला है, उसमें भी करंट अफेयर से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी में जुट जाइए, नेहरू युवा केंद्र की ये बहुत अच्छी जॉब है और डेट बढ़ चुकी है, परीक्षा की तिथि बहुत जल्दी घोषित होने वाली है, क्योंकि जो पहले परीक्षा हुई है वो एक महीने के अंदर से ही हो गई है, एक महीने के बाद ही। तो दोस्तों इसकी परीक्षा भी सितंबर में होने के चांसेस हैं, सितंबर में परीक्षा हो ही जाएगी, क्योंकि IBPS बहुत फास्ट है, बहुत जल्दी रिजल्ट निकालता है, बहुत जल्दी परीक्षा करा लेता है। तो बेस्ट ऑफ लक, अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं।